हाउसफुल टू अनेक्स पाड़े, लास्ट में भाई अनारकली डिस्को चली, ऐसा गाना था ना, वाकई भाई झुमा दिया हमें भी, बहुत अच्छा लगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अनारकली डिस्को चली, अनार अनारकली डिस्को। ए, चुपचाप खड़े रहे। कल रात मेरे साथ ही थी, पूछ रही थी आपके बारे में, मिलना चाहती है आपसे सरकार। अगर ऐसी ऊट पटांग बात की ना तो खींच के एक दूंगा, मैं उससे मिलूंगा, कभी नहीं। तो वो आ जाएगी सरकार आपसे। ए, बकवास बंद कर, चुप। ऐसा वो कह रही थी, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, कह दूंगा मैं सरला से कि नहीं मिल सकते आप। ये सरला कौन है? अनारकली नाम तो पापी दुनिया के लिए, वैसे उसका नाम सरला है। लेकिन सरला तो जॉली की माँ का नाम था। नहीं, जॉली की माँ का नाम? हाँ, सरला। हाँ, अब तो आपको उससे मिलना पड़ेगा, प्लीज उससे मिलिए, आई इंसिस्ट। अपनी बेटी के शादी के लिए आया हूँ और ऐसा लगेगा। आर यू श्योर? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ हेतल को। हेतल? हेतल कौन से? अनारकली। अरे पापी दुनिया के लिए वो अनारकली है, पासपोर्ट पे उसका नाम हेतल है। क्यों, क्या हुआ? पारुल की स्वर्गवासी मम्मी का नाम भी हेतल ही था। हाँ? क्या? What a coincidence? तो बोटा भाई, एक बार तमने हेतल ने मड़वाच पढ़ से। हेतल, 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 हेतल। चिरी साहब, आप यहाँ? ओ I love pools. जी आइए ना, बैठिए बैठिए आइए। तुम मुझसे मिलना चाहती थी, क्यों? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन हाँ, मिलना तो जरूर चाहती थी आपसे एक बार। आप बहुत अच्छा नाचती है, मेरा मतलब गाती हैं। हट फिर की। आप भी ना जेरी साहब। जेरी? थोड़ा सा लेके नाचे तो आप भी कमाल का। मैं कहाँ नाच सकता है, वो तो कल रात लड़के लोग ने घटाघट पिला नहीं ना, तो मेरे पैर भी ठिरकने लगे। हेतल, अरे सॉरी, अनारकली जी। पटूक, तुम्हारा मोड़े थी हेतल केटलू सरस लागे छे। एक बार सिर्फ मेरे लिए मेरा असली नाम लीजिए ना। सरला। तुमचा तोड़ना नहीं सरला शब्द खूब मला चांगला वाटते। वाह, आप इतने अच्छे, खामा खा पता नहीं बड़े लोगों को छोटा करने में लगे रहते हैं लोग। कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, वैसे तो आपका दोस्त बटूक जान छिड़कता है आप पर, बस जब मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मना कर दिया, कहने लगा कि अगर मैं आपसे मिलूं तो मेरा इमेज और रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ बहुत ही शर्मनाक पास्ट जुड़ा है ना। शर्मनाक पास्ट मेरा? वो बटूक कह रहा था कि आप एक एक डाकू थे और आप ऐसे ही फिरकी मारे थी कि आप खूंखार डाकू थे। वो जेडी कह रहा था कि आप ऐसी फिरकी फैलाए थे कि आप रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर थे। वो कह रहा था कि आप एक नंबर के फट्टू डाकू थे, कि आप दो टके के मामूली हवलदार थे, डर के मारे एक चूहा तक नहीं मारा, अंधे भिखारियों के कटोरी से चिल्लर चुराते थे। आज तू मेरे नजरों से गिर गया जेडी।
मेरे नजरों से गिर गया। हाँ, कौन किसकी नजरों से गिरा है ये तू अच्छी तरह से जानता है भटोक। आज तूने एक बात साबित कर दी जेडी कि नाम बदलने से इंसान नहीं बदलता। बदल तो तू गया है, घिन आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए तूने सारे पुराने रिश्ते तोड़ दिए ने, इसलिए मैं आज तेरे बेटे का रिश्ता ठुकरा रहा हूँ। अरे तू क्या ठुकराएगा, मैं तेरी बेटी की शादी का रिश्ता ठुकराता हूँ। चले जले, तू पारुल से नहीं अपनी पसंद हीना से शादी करेगा, खुश है कि नहीं? अरे रेवा दे, मैं मेरी पारुल का रिश्ता कोई बड़े इज्जतदार घर में करवाऊंगा। पारुल, मैं अभी इसी वक्त अपने रूम से सामान लेके आता हूँ। नहीं रह सकती जय। अरे माँ भी तंजे वगैरह नथी रहे, बाप तो गया गुजरा है, बेटी भी गई गुजरी, ड्राइवर के साथ इश्क लड़ा रही। बटुक की बेटी का चक्कर ड्राइवर के साथ, बड़े घरों में रिश्ता कराने चला। अरे इनका भला कर दो, आपका भी बदला पूरा हो जाएगा। सोचो करो, बदला लो सरकार। 15 अगस्त को सुन बे, तेरे बारे में बोल रहे, इन दोनों की भी शादी हो जाएगी। थैंक यू अंकल। ये काहू का लगा रहे थे, चाल तो क्या चार। गुड डे ओल्ड फ्रूट। मुबारक हो समधी जी, 15 अगस्त जॉली की शादी की तैयारियां कीजिए। जॉले जी। जी आओ। चलना तो सर। मैक्स, सबके पापा को पता चल गया है, सिर्फ पापा रंजीत को नहीं पता चला। रंजीत जी, I'm confused. Tell me your problem. I love Derek, but I also love Andrew. अब मैं किससे शादी करूं? If you choose A, definitely B को miss करोगी. और B को choose किया तो नया कौन है? I think you should go for C, because long time no see. अभी समझाता हूँ। Die, wine, मारो मी, line. By the way, I'm free after 9. Place is yours or mine? I'll sleep over it. Sleep over me. Excuse me. Squeeze me. Shut up. Papa. Papa. Hey. Idhar. 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 Sunny. Hi, Nancy. Hi. How are you, my boy? How are you? 20th century का पता नहीं, लेकिन आप असली फॉक्स हो। फॉक्स। अब सुनो, इस फॉक्स की जो तुमने अभी अभी घड़ी मारी है उसे वापस करा दो। पापा रंजीत के साथ मस्ती नहीं, पापा रंजीत के साथ मस्ती नहीं। सॉरी सॉरी, देखो तुम कच्चे हो। लेकिन अंकल सनी आपकी तरह ही है। मैक्स है, सिर्फ आए आए करने से कोई चेला गुरु नहीं हो जाता, और सिर्फ भौंकने से कोई कुत्ता कमीना नहीं हो जाता।
तुम जानते हो इसने आज तक कभी किसी माल पर डाका नहीं डाला है। I am ashamed of him. What? Yes. सनी क्या ये सच है? पापा मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत लूट रहे हो। ए इज्जत तो मेरी लूट रही पापा, है। पापा you will be proud of me tomorrow. असली माल पे कल हम लोग डाका डाल रहे हैं। हाँ लड़कियों से शादी करके सारा माल अंदर और वो बाहर। पापा वो शादी का मंडप हमारा एटीएम काउंटर होगा और मैरिज सर्टिफिकेट हमारा ब्लैंक चेक। मैंने तुम लोगों को हेरा फेरी सिखाई, मक्कारी सिखाई, चोरी चकारी सिखाई, लेकिन कभी किसी का भरोसा तो नहीं सिखा। तुम दोनों उन लड़कियों से शादी करोगे, फिर उन्हें छोड़ दोगे, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। बच्चों कभी जिंदगी में किसी का भरोसा मत तोड़ना। बेटे तेरे पापा रंजीत की जिंदगी में बहुत लड़कियां आई, लेकिन उसने शादी सिर्फ उसी से की जिससे वो प्यार करता था, और वो तेरी मां थी, समझे? थिंक अबाउट इट। सुना था प्यार अच्छे अच्छे लोगों को डुबा देता है। लगता है आप जैसे बुरे लोग भी इसमें डूब गए सनी। मैक्स द रेपिस्ट का तो पता नहीं, लेकिन मेरा बाप थेरेपिस्ट का काम करके जरूर चला गया। भाई साहब आखिर कर ये जो इन लोगों का प्लेन था वो कामयाब हो गया। भाई लड़वा दिया वो पापा जो होता ना उसको, बोला भाई जा तेरी अभी कोई जरूरत नहीं, और जब बुलाया जोली तो जोली चारों आ गए। यस यस ये वाला तरीका है ना भाई, क्या तरीका है, मतलब वो समझ ही नहीं पाएगा किसको बोल रहा है जोली। ये मान गए इनको, अब ये जो लास्ट में नया पापा आया ये भी पापा ही है समझो। बड़ा खिलाड़ी है भाई, ए करता है लड़कियों के साथ बड़ी मस्ती कर रहा था। अब ये से उसको बोलता है ए से मतलब बी, बी से मतलब सी, ऐसी मिसालें दे रहा है। वो लड़की परेशान हो गई और इनको बोलता है कि मैंने तुम्हें मक्कारी सिखाई, चोरी सिखाई। हाँ भाई ये तो बड़ा आरामी था भाई, टड़की याद नहीं भाई इसका टड़क बनने के लिए भाई साहब। पहले मैंने कहा ये कोई आया है भाई साहब, इसका अलग ही स्टाइल है, पर भाई टड़क पर में इसका बाप निकला और पापा पापा कहने दे राजू भाई का बाप ए कर रहा था भाई साहब। ये तो अलग ही था बंदा भाई, इसका मजा दिला दिया। पहले उनको इमोशनल करके डांट रहा है, फिर कह रहा है मैंने तुम्हें चोरी सिखाई मकाई सिखाई, भाई तुमने सिखाई इनको राजू भाई का, तुमने खराब कर दिया बेड़ा कर दिया भाई। वो इतना खतरनाक बन गया राजू भाई, सबको पागल बनाता है। बाकी यार इस बंदे ने मजा दिला दिया, ए यही करता है, कहता है ए यही करने से कोई बनता नहीं है बड़ा चोर, और कुत्ता भोंकने वाला कुत्ता नहीं होता। बड़ी मिसालें दे रहा था भाई, मजा दिला दिया इस बंदे ने भाई, कमाल कर दिया इसने। हाँ भाई ये वाला जो बुढ़ा आ गया था ना, ये वाला भी सबसे अलग है भाई। लड़की को बोला ए से मतलब बी, बी से लेकर सी, तो किसी से शादी नहीं करो मेरे से ही करो। ए ये भी बड़ा चूना लगा रहा है, ये भी ठरक पर में सबसे आगे निकला है। बाकी राजू भैया वालों को भाई, ये तो राजू भैया का ये बाप निकला, इन लोगों को चमाटे भी मारी, बोला चूने चोरी चकारी हर चीज़ सिखाई, मगर किसी का विश्वास है ना वो नहीं तोड़ो। कमाल हो गया, इन लोगों ने तो हैरान कर दिया भाई आज तो। भाई राजू भाई तो असान में माहिर है, पर उसका बाप तो बड़ा का भाई सोरन का। हाँ भाई सही बोला, बी तो सी।